खुश है? यस सर। कि आज ये क्या लेके मिला है? अवार्ड मिला है ना? आज हमारे स्कूल को एक अवार्ड मिला है और इससे पहले भी मिल चुके हैं अवार्ड, और ये अवार्ड हमें जिला अधिकारी महोदय ने दिया है। किसने दिया है? क्योंकि जिला अधिकारी महोदय दो बार हमारे स्कूल आ चुके हैं और हमारे बच्चों से मिल चुके हैं। आत्मीयता 2019 के तहत 10 शिक्षकों को सम्मानित किया गया था, जिसमें मुझे भी ये गौरव प्राप्त हुआ और मैं बहुत खुश हुई सम्मान को पाकर। उत्कृष्ट विद्यालय और उत्कृष्ट सेवा का ये सम्मान है और मेरे बच्चों ने इसमें मेरा बहुत साथ दिया, स्कूल को अच्छा बनाने में, बेहतर से बेहतर काम करने में। इस पुरस्कार पे सबसे ज़्यादा हक मेरे इन नन्हे मुन्ने बच्चों का ही है, जिनकी वजह से आज ये हमारे विद्यालय के लिए पुरस्कार आपके पास है। आप इसको लेकर खुश हो रहे हो और कैसा लगता है आपको? मैं आपके स्कूल बहुत अच्छा लगता है। हम रोज डेली स्कूल आते हैं, हमके स्कूल में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। हमारे स्कूल में एक लाइब्रेरी है, उसमें हम हर शनिवार को पढ़ते हैं। हमारे स्कूल में बाल संसद का गठन हुआ है और ग्रीन आर्मी का भी गठन हुआ है। हमारे स्कूल में एक बड़ी लाइब्रेरी है और हमारे स्कूल में हर शनिवार को एक स्मार्ट बोर्ड में दिखाया जाता है, जिसमें से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। हम स्कूल रोज आते हैं और मन लगा के पढ़ते हैं। हमारे स्कूल में ग्रीन आर्मी का गठन हुआ है और हमारे स्कूल में हरे भरे पौधे हैं। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर हम इसी तरह कोशिश करते रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हमेशा हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपनी पहचान बना सकेंगे। मैं बस ये चाहती हूँ कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे समाज में अपनी पहचान बना सकें और अपना अपने को अच्छे से खड़ा कर सके, कुछ बन सके और आगे आकर के अपने देश के लिए भी कुछ कर सके, क्योंकि देश के लिए कुछ करने का जज्बा अभी से इन बच्चों के अंदर होना चाहिए। आप बोलो। हमारा अभियान हमारी पहचान, शान मेरी बढ़ती है, मेरे साथ छोटी बहन भी यहाँ पढ़ती है। डेली स्कूल जाता हूँ, खूब वहाँ पढ़ता हूँ, प्यार से रहता हूँ, कभी नहीं लड़ता हूँ। थैंक यू। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आप की तरह अच्छी अच्छी बातें, हमारी तरह अच्छी अच्छी बातें बच्चे सीखें और बच्चे भी सीख सकें।